हेलो एवरीवन तो फ्रेंड्स इस पूरी कंप्लीट वीडियो में आपको मिलेगा कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रिलेटेड सारा कंटेंट यानी कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल के जितने भी गेट क्वेश्चन आए हैं 2016 से लेकर 2021 के अंदर ऑब्वियस बात है कि 2016 के आसपास ही कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था तो वहीं से लगभग सारे क्वेश्चन है एक 2015 का सरप्राइज क्वेश्चन भी मैंने आपको लास्ट में कराया है वो भी देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पूरी कंप्लीट वीडियो देखोगे तो आपको कंप्लीट कनेक्शन मिलेगा बिटवीन द एवरी पॉइंट्स इन कंस्ट्रक्शन मटीरियल तो यहां पर प्रीमियम क्वालिटी मटीरियल और प्रीमियम क्वालिटी वीडियो के लिए तैयार हो जाए अगला आपका पिस्तालीस

डायरेक्टली आई एस फोर फाइव सिक्स से उठाया हुआ क्वेश्चन ठीक है आई एस फोर फाइव सिक्स से डायरेक्टली उठाया हुआ क्वेश्चन है और यहाँ पर क्लॉज भी आपको दिख रहा होगा ठीक है आई एस फोर फाइव सिक्स का क्लॉज भी आपको दिख रहा होगा मैंने नीचे ही रखा है क्वेश्चन में पूछा क्या गया है पहले ये देख लेते हैं एस पर आई एस फोर फाइव सिक्स आई एस फोर फाइव सिक्स के हिसाब से टू थाउजेंड द पी एच वैल्यू ऑफ वाटर फॉर कॉन्क्रीट मिक्स शेल नॉट बी लेस देन कितना ठीक है ये काफी थियोरटिकल क्वेश्चन है हो सकता था कि 2020 2020 के अंदर जो अपियर हुए हुए, 2020 2020 का क्वेश्चन है ना वन मार्क्स का आफ्टरनून सेशन में तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा ऐसा पॉसिबल है क्योंकि डायरेक्टली क्लॉज से उठाया गया है और जनरली अब इंजीनियर जो है उनके क्लॉज याद रहते नहीं है ठीक है उनको अगर कोई न्यूमेरिकल दिया जाए तो वो कर सकते हैं बट यहाँ पर क्या है डायरेक्टली क्लॉज से उठाया गया क्वेश्चन तो अब ये हो सकता है याद नहीं रहा हो तो अब यहाँ पर देख लो भाई कुछ नहीं करना यहाँ पर कुछ नहीं करना यहाँ पर अप्लाई करो क्लॉज नीचे लिखा ही हुआ है द पी एच वैल्यू ऑफ वाटर शेल नॉट बी लेस देन सिक्स द पी एच वैल्यू ऑफ वाटर शेल नॉट बी लेस देन सिक्स कौन से क्लॉज में लिखा हुआ है तो वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है फाइव पॉइंट फोर पॉइंट टू के अंदर डायरेक्टली मैंने क्लॉज जो है उसी को स्निप कर यहाँ पर रख दिया है ठीक है और इसके अंदर और कुछ कर भी नहीं सकते क्लॉज के अंदर दिया हुआ है तो उसको मानना पड़ेगा तो क्लॉज के अकॉर्डिंग ये डी सही आंसर होगा ठीक है शेड नॉट बी लेस देंस पी एच वैल्यू फॉर वाटर फॉर कॉन्क्रीट मिक्स जो है वो सिक्स से कम नहीं होनी चाहिए सिक्स से कम नहीं होनी चाहिए सिक्स से ज्यादा होनी चाहिए ठीक है नॉट नॉट बी लेस देन सिक्स छः से कम तो नहीं होनी चाहिए छः या तो उससे ज्यादा होनी चाहिए चलो काफी थियरिटिकल क्वेश्चन था इसमें कुछ नहीं कर सकते आपको क्लॉज पता होना चाहिए 5.4.2 IS 456 देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन जैसा कि आपको यहां पर विजिबल है क्या लिखा है भाई अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया लगता है इसके अंदर अच्छा हुआ कुछ न्यूमेरिकल तो आया तो मजा आएगी थोड़ी तो क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा है कि द मिनिमम अप्लाइड लोड ऑन अ सिलिंड्रिकल कंक्रीट स्पेसिमेन ऑफ डायमीटर 150 mm डायमीटर कितना है भाई डायमीटर डायामीटर जो है वो कितना है 150 डाया 150 mm और फिर क्या है एंड लेंथ जो है वो 300 mm लेंथ कितनी है 300 mm टेस्टेड एस पर द स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट गाइडलाइन ऑफ आईएस पाई एट वन सिक्स नाइनटीन नाइनटीन हंड्रेड एंड नाइनटीन इस 157 किलोन्यूटन यानी स्प्लिट स्प्लिट टेंसल स्ट्रेंथ जो है पी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है पी की वैल्यू यहाँ पर है वन फिफ्टी सेवन किलोमीटर और कौन सी गाइडलाइन है कौन सी गाइडलाइन है आईएस एस फाइव एट वन सिक्स नाइनटीन हंड्रेड एंड नाइनटीन मैंने उसका एक यहाँ पर रख दिया है स्नीप रखकर के भाई ऐसा दिखता है भाई ऐसा दिखता है आई एस 5816 का शुरुआत का पेज स्प्लिटिंग टेंसर स्ट्रेंथ के लिए ही खास है उसी के लिए खास है और भी मैंने इसके बारे में जानकारी हासिल करी है करना क्या है स्प्लिट स्ट्रेंथ राउंड भाई मैक्सिमम अप्लाइड लोड जो है वो पी आपको दिया हुआ है मैक्सिमम अप्लाइड लोड जो है पी आपको दिया हुआ है, 157. ये है मैक्सिमम अप्लाइड कौन से क्लॉज में है टेंशन मतलब ये सब जो है वो मिटा देता हूँ देख लिया आप डाउनलोड भी कर सकते गूगल पर अवेलेबल है सिर्फ सर्च करना है वहां पर मिल जाएगा ठीक है अगली स्लाइड पर मैंने इसके बारे में रखा है ऐसा दिखेगा आपको क्लोज एट ये आई खोलोगे ना फाइव वन सिक्स था ठीक है आई एस फाइव वन सिक्स आप खोलोगे तो उसके अंदर स्प्लिट टेंसर स्ट्रेंथ के बारे में दुनिया क्योंकि तो पूरा उसके बारे में बना हुआ है तो दुनिया भर की जानकारी वहां पर आपको दी हुई है उसमें से जो हमें इस क्वेश्चन के अंदर इस सवाल लगने वाली है वो है क्लॉज एट और उसका एट क्या लिखा हुआ है द मेजर्ड स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ एफ सी टी

ये हमारा एल हो जाएगा ठीक है दिख रहा है ना आपको उधर ब्लैक में ये हमारा हो जाएगा एल डी इज डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हो जाएगा डायमीटर ये हो जाएगा डायमीटर ठीक है शोन इन फिगर थ्री तो मैंने रखा नहीं है बट मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि कैसा लगेगा अब यहाँ पर पी तो हमें दिया हुआ है डायमीटर भी दिया हुआ है और एल कितना है भाई एल कितना है वो देख लेते हैं मिनट ल हमारे पास है 300 एमएल हमारे पास के कितना है 300 एमएल जैसा कि क्वेश्चन के अंदर गिवन था तो ल हमारे पास गिवन है 300 एमएल तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है एफसीटी आपको फाइंड आउट करना है ना स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टू पी डिवाइड बाय थोड़ा अच्छे से करते हैं hmm. � डिवाइड बाई पाई डी एल ठीक है हमें किसके अंदर अंदर आंसर चाहिए था? चाहिए? था? न्यूटन पर के या दोनों बात एक ही मल्टीप्लाई बाई डायमीटर हमारा वन फिफ्टी है लेंथ हमारे पास थ्री हंड्रेड है

बट आपको अप टू वन डेसिमल प्लेस तक पूछा है तो आप टू पॉइंट टू लिख दीजिए कोई गलत नहीं बोलेगा ठीक है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था टू पॉइंट टू लिख दीजिए कोई गलत इसको नहीं बोल सकता ठीक है यहाँ पर आपको लिखा है एन एम पी ए राउंड ऑफ टू वन डेमल प्लेसिस एमपीए के अंदर आपको बताना है वन डेसिमल प्लेस तक तो यहाँ पर आ गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर एट का क्लॉज भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया काफी डिटेलिंग के साथ मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ उम्मीद करता हूँ कि आपको हेल्पफुल रहे होंगे और सारी डिटेल आपको भी नोट डाउन करनी है ठीक है मैं जो क्वेश्चन सेंड करूँगा किसके अंदर टेलीग्राम ग्रुप के अंदर क्वेश्चन सेंड करूँगा उस क्वेश्चन के नीचे थोड़ी ब्लैंक पोर्शन भी मैं हमेशा छोड़ता हूँ जैसा कि मैंने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में किया था ताकि आप वहाँ पर अपना सोल्यूशन बना सको और आप अपना सोल्यूशन कहाँ से बनाओगे इस वीडियो सॉल्यूशन को देखकर या अपने पास कोई बुक्स वगैरह है वहां से देखकर अपना सॉल्यूशन बनाओगे तो एट द एंड आपको ही फायदा होगा ठीक है ना चलो तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर सारी चीजें अब मैं मिटा रहा हूँ बहुत डिटेल में सब हमने समझ लिया चलो ये ठीक है इसका आंसर आ गया हमारा कितना आ गया था टू पॉइंट टू अप टू वन डे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको एक वो देता हूँ क्या देता हूँ एक टेबल बना कर देता हूँ ठीक है जैसा कि इससे पहले भी टेबल दिया था ना वैसा ही टेबल यहाँ पर आपको बना कर देता हूँ जान से देखना भाई यहाँ पर जो टेबल में दो टेबल एक्चुअली दूंगा दूसरा टेबल भी आपको यूजफुल लेकिन पहले पहले टेबल टेबल की बात कर लेते हैं, वो है टेस्ट ऑन सीमेंट। ये टेबल में आपको बना कर देता हूं टेस्ट ऑन सीमेंट सभी लोग नोट डाउन कर लेना भाई टेस्ट ऑन सीमेंट वाला एक तरफ टेस्ट होगी और एक तरफ हमारे पास क्या होगा यहाँ से लाइन का फंक्शन है तो लाइन ही खींच लेते भाई। एक तरफ हमारे पास टेस्ट होगी और एक तरफ हमारे पास वो टेस्ट क्यों कौन सी मेथड यूज होती है उस टेस्ट के लिए वो होगा ठीक है एक तरफ टेस्ट है और एक तरफ है मेथड ठीक है ना कौन सी मेथड यूज होती है तो फाइननेस टेस्ट कौन सी है अच्छा नहीं लिख पा रहा हूं यार मैं इसको मिटा देता हूं ठीक है पहली है फाइननेस टेस्ट फाइननेस टेस्ट फाइननेस टेस्ट, टेस्ट कौन सी कौन से, से मेथड से होती है तो एक तो होती है सीव मेथड सीव मेथड दूसरी होती है एयर परमिएबिलिटी मेथड परमी एबिलिटी मैथड उसके बाद सेडिमेंटेशन मेथड भी होती है मेथड ठीक है ये हो गई फाइनेस की बात हो गई अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की बात करते हैं कंसिस्टेंसी कंसिस्ट कंसिस्टेंसी टेस्ट कंसिस्टेंसी के लिए हमेशा एक ही नाम आता है विकार्ड्स विराट नहीं है विकार्ड्स विकार्ड्स अप्रेचेस या विकार्ड्स प्लंजर भी बोलते हैं क्या बोलते हैं प्लंजर भी बोलते हैं और हम यहाँ पर जनरलाइज फॉर्म लिखते हैं अप्रेचेस कंसिस्टेंटी कंसिस्टेंसी के लिए दूसरी तरफ भी यहाँ पर टेस्ट बना देते हैं और मैथड बनाते हैं यार दो में ही खत्म हो गया ये तो तो टेस्ट एंड मेथड्स तो भी और भी है उसके बाद फिर एक कंक्रीट uh, के बारे में भी देख लेंगे वो भी बहुत यूजफुल है अब थोड़ा टाइम तो लगेगा यार अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे सीखने तो वीडियो थोड़ी मैं आराम से और लंबी ही बनाऊँगा चाहे uh, आपको जल्दी सीखना ही क्यों ना हो लेकिन अगर अच्छे से सीखना है तो थोड़ा टाइम लगेगा सेटिंग टाइम की अगर हम बात करें सेटिंग टाइम की बात करें तो यहाँ पर इनिशियल और फाइनल दोनों इंक्लूड करता हूँ कौन से कौन से इंक्लूड करता हूं भाई इनिशियल एंड फाइनल दोनों में यहाँ पर इंक्लूड करता हूं इनिशियल और फाइनल दोनों में यहाँ पर इंक्लूड करता हूँ सेटिंग टाइम के अंदर तो सेट सेटिंग टाइम के अंदर होता है विकार्ट एप्रेचर लिखते हैं लेकिन मैं लिखूंगा नीडल ठीक है एपरेचर भी चलेगा लेकिन सही होगा विकार्ट्स नीडल उसके बाद हमारे पास होती है सीमेंट के अंदर साउंडनेस टेस्ट साँडनेस टेस्ट साउंडनेस टेस्ट।, टेस्ट के लिए ये भी बहुत पॉपुलर है जिसका अभी हम क्वेश्चन देखने वाले थोड़ी देर में और ये बहुत बार पूछा भी गया है ली एटेलियर मेथड ये भी काफी है और साथ साथ में एक और है जो काफी पॉपुलर नहीं है ये किसके लिए 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 है soundness के लिए. है soundness के 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 को चेक करने के लिए कौन सी होती है तो वो होती है ब्रिक्विटी ब्रिक्विटी टेस्ट ठीक है टेंसाइल स्ट्रेंथ देखो हमेशा यहाँ पर गलती क्या होती है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ अभी सीमेंट की बात करें तो ब्रिक्विडी इससे पहले हमने एक क्वेश्चन देखा था ना टू पी डिड बाई पाई डी एल तो टेंट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट की बात चली स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट जब पूछा जाए तो वहां पर स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ आएगा ठीक है सिलेंडर स्प्लिटिंग टेस्ट भी बोलते हैं उसको सिलेंडर स्प्लिटिंग लेकिन वो कॉन्क्रीट की बात है यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं सीमेंट की बात करें ठीक है किसकी बात करें सीमेंट की बात करें तो so सीमेंट के अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होगी वो ब्रिक्विटी टेस्ट से की जाएगी उसके बाद है हीट ऑफ हाइड्रेशन हीट ऑफ हाइड्रेशन हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए यूज होती है कैलोरीमीटर टेस्ट कैलोरी मीटर टेस्ट एक और है यार एक और है कहाँ पे लिख देता हूं ठीक है ध्यान से देखना यहां पर यहां पर लिख देता हूं स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट इसके लिए क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट के लिए है ली चैटेलियर फ्लास्क क्या है फ्लास्क तो अब यहाँ पर टेस्ट ऑन सीमेंट वाला अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना वो आसानी से हो जाए दो तीन क्वेश्चन तो अभी आ रहे है एटलीस्ट तीन क्वेश्चन तो आएंगे इसलिए मैंने ये पूरा टेबल आपको कंप्लीट करवा दिया ठीक है कि अब जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसके बेस पर मैं डायरेक्टली फटाफट वहां पर बता दूंगा कि भाई ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये ये आपको याद होना चाहिए क्या होना चाहिए याद होना चाहिए और अगर आप इसका चाहे तो स्क्रीन भी खींच सकते हो या आप अपनी नोटबुक में उतारो तो बहुत अच्छा है और स्क्रीन भी इसका ले सकते हो चलो और यहाँ पर मैं मिटाने वाला हूँ मैं इसको मिटाने वाला हूँ ठीक है चलो तो मिटा देता हूँ मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर पूरे को और एक और मैं टेबल डिस्कस करना चाहूंगा आ, टेस्ट ऑन कंक्रीट के लिए जब अब हम बिल्डिंग मटेरियल कर रहे हैं तो क्यों ने इसको अच्छे से ही किया जाए इसलिए मैंने सोचा कि टेस्ट ऑन सीमेंट वाला तो हो गया टेस्ट ऑन कंक्रीट के इसके ऊपर भी एक आध क्वेश्चन आएगा अभी तो ये टेस्ट ऑन सीमेंट कम्प्लीट यहाँ पर मैं कर रहा हूँ क्लियर अब मैं बात करता हूं टेस्ट ऑन किसकी बात करता हूं टेस्ट ऑन कॉन्क्रीट टेस्ट ऑन कॉन्क्रीट उसकी बात भी कर लेता हूं ठीक है टेस्ट ऑन कॉन्क्रीट की बात करते हो सबसे इंपोर्टेंट कॉन्क्रीट में क्या होता है पता है ना आपको क्या होता है वर्केबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट होता है वर्केबिलिटी और वर्केबिलिटी के लिए जितनी मेथड है आप याद रख लो तो बहुत अच्छा है कौन से कौन से मेथड है वर्केबिलिटी के लिए वर्केबिलिटी के लिए है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है ठीक है स्लम्प टेस्ट सबसे पॉपुलर और सबसे आसान फील्ड में भी यही होती है स्लम्प टेस्ट इसके अलावा वर्केबिलिटी के लिए हमारे पास है कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट कॉम्पैक्टिंग फैक्टर ये कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी हम भी जब हैं ना आरसीसी के अंदर उसमें भी सब कुछ आएगा वहां पर भी एक आध दो क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर ठीक है उसको थोड़े क्वेश्चन को हमने वहां के लिए छोड़ दिया है वी बी कंजिस्टोमीटर टेस्ट वी बी कंजिस्टोमीटर टेस्ट उसके अलावा हमारे पास है फ्लो टेस्ट क्या है फ्लो टेस्ट वर्केबिलिटी के लिए ध्यान रखना उसके अलावा है की बोल टेस्ट की बॉल टेस्ट चलो अगर आप ये कोई वीडियो देख रहा है स्टूडेंट्स तो उसको मैं थोड़ा सा कंफ्यूज करता हूँ एक होता है रिंग बॉल रिंग बॉल टेस्ट भी होता है पता है रिंग बॉल टेस्ट तो रिंग बॉल जो होता है वो विटामिन के लिए होता है किसके लिए होता है रिंग बॉल जो होता है रिंग बॉल जो होता है वो विटामिन के लिए होता है और की बोल जो होता है वो वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट के लिए होता है चलो ये तो एक्स्ट्रा पोर्शन मैंने ऐसे ही डिस्कस कर दिया उम्मीद करता हूँ कि इसका इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा होगा व्यूवर्स को तो वर्केबिलिटी के लिए इतनी सारी मेथड्स है स्लम टेस्ट है कॉम्पैक्टिंग फ्लो टेस्ट है की बोल टेस्ट है उसके बाद वर्केबिलिटी के अलावा अगर हम जाए देखने जाए तो डायरेक्ट एंसल स्ट्रेंथ अभी हमने जिसका क्वेश्चन किया ना डायरेक्ट स्ट्रेंथ कैसे होती है भाई अभी हमने क्वेश्चन किया डायरेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रेंथ ऑफ़ कैसे मेजर होती है स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ याद बोल दो कि सिलेंडर 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 स्प्लिटिंग टेस्ट सिलेंडर स्प्लिटिंग टेस्ट बस इतना ही नहीं है इसके साथ साथ और भी मेथड्स है कौन सी है मॉड्यूल ऑफ रप्चर मॉड्यूल ऑफ रच रप्चर मेथड ठीक है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कई बार आता है मॉड्यूल ऑफ बीम मेथड या स्टैंडर्ड बीम मेथड स्टैंडर्ड बीम टेस्ट बोल दो या मेथड बोल दो यह सारी सारी चीज किसके लिए इस्तेमाल होती है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए उसके अलावा हमारे पास है बॉन्ड बिटवीन कॉन्क्रीट एंड स्टील के लिए उसको चेक करने के लिए कौन सी होती है बॉन्ड बिटवीन कॉन्क्रीट एंड स्टील बॉन्ड बिटवीन कॉन्क्रीट एंड स्टील उसके लिए क्या यूज होती है कौन सी टेस्ट या कौन सी मेथड यूज होती है तो उसके लिए यूज होती है पुल आउट टेस्ट क्या यूज होती है पुल आउट टेस्ट ठीक है उसके अलावा उसके अलावा हमारे पास क्या है और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो रिबाउंड हैमर से यूज होती है किससे हैमर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ये यूज होती है मेथड को डिटरमाइन करने का तरीका है रिबाउंड मेथड काफी चीजें मैं बता रहा हूं भाई ठीक है ये मेरी अपनी पर्सनल नोट्स में से बता रहा हूँ डायनेमिक मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी डायनेमिक मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी जो होती है उसको चेक करने के लिए होता है डायनेमिक अच्छा यार अच्छा नहीं लिखा है से फिर से लिख लेता हूं डायनेमिक मॉड्यूलस ऑफ इलास्ट्रिसिटी डायनेमिक मॉड्यूलस ऑफ इलास्ट्रिसिटी के लिए होती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टेस्ट कौन सी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी टेस्ट रेजोनेंस बस वो तीन टेबल हुए ना पूरे पार्ट्स के अंदर ठीक है वो तीनों टेबल आपको याद होने चाहिए रेजो ये तीसरा चल रहा है अभी रेजोन फ्रीक्वेंसी टेस्ट इससे पहले मैंने एग्रीगेट का बता दिया सीमेंट का बता दिया और यहाँ पर मैंने कंक्रीट का भी बता दिया यहाँ पर मैंने कंक्रीट का इससे पहले मैंने सीमेंट और एग्रीगेट का कंप्लीट किया और यहाँ पर जो कंक्रीट के बारे में इंपॉर्टेंट टेस्ट वगैरह थी किसके किसके कोरोस्पॉ क्या होता है वो भी मैंने बता दिया आगे और भी चीज़ है वो कभी हम अलग से लेक्चर लेंगे तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर हमारा मेन मकसद जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करना लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन देखो और ऑप्शन देखकर फटाफट खत्म करो ऑप्शन को भी समझना जरूरी है इस वजह से मैंने सोचा कि थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ तो उम्मीद करता हूँ कि आपने तीनों टेबल रख ली होगी एग्रीगेट के ठीक है उसके बाद सीमेंट गया और ये कंक्रीट वाला भी खत्म हो गया अब कोई टेबल यहाँ पर अब इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा बाद में फिर कभी डिस्कस करूंगा बहुत सारी चीजें हैं डिस्कस करने को चलो तो इसको मैं मिटा रहा हूँ और अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ इसको मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पर चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमने थोड़ी देर पहले देखा ली चेटर अप्रियस अप्रेच इज यूज टू डिटरमाइन किसके लिए होता है ली चेटेलियर ठीक है थोड़ी देर पहले ही देखा हमने देखा कि वो होता है साउंडनेस के लिए किसके लिए होता है साउंडनेस ऑफ सीमेंट के लिए होता है साउंडनेस ऑफ़ सीमेंट के लिए होता है -e और इसके अलावा किसके लिए था भाई इसके अलावा किसके लिए था लि चेटे साउंडनेस के लिए था स्पेसिफिक -e ग्रेविटी टेस्ट के लिए भी होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी के टेस्ट के लिए होता है ली फ्लास्क -e हमने थोड़ी देर पहले टेबल में देखा लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा साउंडनेस ऑफ सीमेंट वाला ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली करेक्ट होगा चलो अब समझ में आ रहा होगा कितना आसान क्वेश्चन है एक बार आपके पास कंसेप्ट मिल जाए उसके बाद अगला क्वेश्चन है द डिफॉर्मेशन इन कंक्रीट ड्यू टू सस्टेन्ड लोडिंग इज डिफॉर्मेशन इन कॉन्क्रीट ड्यू टू सस्टेन लोडिंग सस्टेन का मतलब होता है जो सस्टेन लिखा हुआ है इसका मतलब होता है लॉन्ग टाइम में लंबे समय तक रहने वाले लोडिंग की वजह से जो डिफर्मेशन होता है कंक्रीट के अंदर जो डिफर्मेशन होता है कंक्रीट के अंदर उसे क्या कहते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन अगर आप सीरियस एक्सपेडेंट है तो आपको पता होगा कि उसे हम क्या बोलते हैं क्रीप बोलते हैं क्या बोलते हैं क्रीप ठीक है सी आर डबल ई पी ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन लोडिंग लॉन्ग टाइम तक जो लेने वाला लोड है उसकी वजह से जो डिफॉर्मेशन होता है कंक्रीट के अंदर कंक्रीट के स्ट्रक्चर के अंदर जो चेंज आता है वो उसे हम क्या कहते हैं क्रीप कहते हैं ठीक है चलो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन भी हो गया क्वेश्चन नंबर टेन भी हो गया अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन चलो फिर से वही आ गया मैंने बोला ना जो मैंने टेबल बताए हैं है, वो आइडियल बताया भाई जनरली सब टॉपर के पास होते हैं अगर आपको टॉपर बनना है तो आपके पास भी होने चाहिए सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि विकार्ड नीडल लिखा था ना और मैंने बोला था कि भी चलता है लेकिन मैं क्या बोलता हूँ नीडल बोलता हूँ तो वही यहाँ पर है ठीक है वही यहाँ पर है तो सही ऑप्शन होगा सेटिंग टाइम्स ऑफ सीमेंट के लिए सेटिंग टाइम इनिशियल और फाइनल दोनों यहाँ पर इंक्लूड हुए हो ये होगा विकार्टर विकार्ट्रेचर ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन Setting time of cement is determined using ये ये किसके किसके लिए 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 है? है? फिर चलो आप डिस्कस करें लेते हैं। ये के, लिए है? Soundness के लिए है? थोड़ी देर पहले हमने देखा है टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए सीमेंट की बात हो रही है ठीक है सीमेंट कैसे अप्रे, 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 इसका हमने डिस्कशन नहीं किया इसको फिर कभी हम डिटेल में देखेंगे ठीक है ये भी इस्तेमाल होता है लेकिन हम इसको डिटेल में देखेंगे बाद में सीमेंट में कहा फिलहाल मैकेनिक्स हाँ ये ये में तो आपको पता ही होगा ये काफी बार आता है फिलहाल क्योंकि हमने इसको डिटेल में किसके अंदर देख लिया टेबल वगैरह में देख ही लिया है हाँ फिर से यही आ गया क्वेश्चन देखो फिर से यही क्वेश्चन आ गया इस टाइप का मैंने बोला ना वो टेबल काफी यूजफुल टेबल है ऐसे ही मैंने आपको इतना टाइम देकर नहीं समझाया तो यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा होगा पी के साथ कौन एसोसिएट होगा भाई ली टेस्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया साउंडनेस के लिए होता है तो पी के साथ तो वन एसोसिएट हो जाएगा पी के साथ वन एसोसिएट हो जाएगा यहां पर भी हम कर लेते हैं पी के साथ हो जाएगा वन चलो दूसरा है बीबी टेस्ट अभी इसको भी हमने देखा कॉन्क्रीट के अंदर देखा ठीक है कॉन्क्रीट की वर्केबिलिटी के अंदर ठीक है और कंसिस्टेंसी में भी काम आएगा जैसा कि यहाँ पर लिखा है कंसिस्टेंसी और वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट तो यहां पर Q के साथ हो जाएगा का 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 तो Q के साथ हो गया? गया ये भी मैंने बताया एयरबिलिटी टेस्ट किसके साथ होती है ठीक है यानी के लिए होती है तो ये R के साथ कौन एसोसिएट हो जाएगा फोर एसोसिएट हो जाएगा तो R के साथ मैं लिखूंगा फोर चलो ये भी हो गया अब ये भी बहुत आसान था उसके बाद है विकार्ट अप्रेचस इसको तो हमने यार कितनी बार डिस्कस कर लिया जो बाकी बचा वही होगा सेटिंग टाइम के लिए भी होगा और कंसिस्टेंसी भी इंक्लूड है चलो तो एस हो गया टू के साथ एसोसिएटेड एस हो गया टू के साथ तो वन थ्री फोर टू का कॉम्बिनेशन बचता है भाई वन थ्री फोर टू मुझे तो ऑप्शन ए में दिख रहा है ऑप्शन ए में दिख रहा है तो ऑप्शन ए ही सही होगा ठीक है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन दिख रहा है है ठीक ना तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर अब एक बार हमने टेबल वगैरह कर लिए तो अब क्वेश्चन आपको आसान लग रहे होंगे और आपको ये काफी लर्निंग वाला लग रहा होगा ये पूरा सेशन है मैंने बहुत अच्छे से बनाया है और बहुत मेहनत से बनाया है उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा और ये काफी यूजफुल हो रहा होगा आपके प्रिपरेशन के अंदर देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है बुल स्ट्रेंच क्लिन इन द यूज़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ़ का मतलब क्या होता है ठीक मतलब है, है।, है? यहाँ पर मैंने उसका ये भी दे दिया है एक फिगर भी कि रियलिटी में वो कैसा दिखता है भी मैंने यहाँ पर बता दिया है कि थियोरटिकली किसका कैसा अरेंजमेंट होता है बुल स्ट्रेंच क्लीन का किसका बुल्स, ट्रेंच तो ये होता है ब्रिक के लिए ब्रिक के मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है इसका रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पर दिया है और प्रैक्टिकली कुछ इस तरीके से दिखता है ये देखो यहाँ पर भी ये दो बड़े टावर दिख रहे हैं वैसे ही दो टावर यहाँ पर है ठीक है वैसे ही दो बड़े टावर यहाँ पर है ये दोनों एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर इसका थियोरिटिकल अरेंजमेंट है कि कूलिंग कहाँ से होगा फायर ब्रिक को क्या करना है फिर सेट अः ग्रीन ब्रिक को क्या करना है ये सारी चीजें आप ब्रिक के अंदर डिटेल में पढ़ सकते हो लेकिन गेट का क्या है कि वो इतना डिटेल में नहीं जाता अब सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊ मैं तुमको सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ब्रिक जो है वो सिलेबस से निकल चुका है ब्रिक जो है वो नए सिलेबस में नहीं मैं बता देता हूँ चाहे हम अभी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं लेकिन ब्रिक जो है वो नए सिलेबस में नहीं है हाउ एवर का भरोसा मत करना क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने टीमबर से क्वेश्चन पूछ लिए भाई से और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में भी ऐसे क्वेश्चन जो सिलेबस में नहीं है निकाले लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछे गए तो ब्रिक चाहे सिलेबस में नहीं है लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि इसको कंप्लीट कर लो इसको कंप्लीट कर लो यानी ब्रिक वाले को ऊपर ऊपर से देख लो एटलीस्ट जो प्रीवियस क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर दे उसको तो देख ही लो ठीक अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है हमारे पास

अर्ली स्ट्रेंथ के लिए सी थ्री एस जिम्मेदार होता है रिस्पॉन्सिबल होता है ठीक है तो यहाँ पर वही लिखा है कंपाउंड कंपाउंडल सेटिंग ठीक है फर्स्ट सेवन डेज जो की स्ट्रेंथ जो है फर्स्ट सेवन डेज कितने पहले सात दिनों की स्ट्रेंथ जो है वो सी थ्री एस पर डिपेंड करती है इसलिए इसको अर्ली स्ट्रेंथ के लिए डिपेंडेंट माना जाता है आप किताब वगैरह भी पढ़ सकते हो आपके पास कोई भी किताब हो नई किताब है तो फिर किताब आप टेलीग्राम चैनल से भी देख सकते हो वहां पर सारी फ्रीली अवेलेबल है ठीक है तो इनिशियल सेटिंग टाइम और अर्ली स्ट्रेंथ के लिए कौन होगा सी थ्री एस होगा तो सी थ्री एस ऑप्शन बी में नजर आ रहा है तो ऑप्शन इज करेक्ट कंप्लीटली करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन चलो तो इसको भी हमने डील कर लिया अब देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स फॉर ब्रिक्स ये फिर से ब्रिक का क्वेश्चन आ गया ठीक है ब्रिक का क्वेश्चन आ गया छोड़ना मत भाई एटलीस्ट ये जो प्रीवियस ईयर के अंदर है वो तो कर लो चाहे ये सिलेबस सिलेबस से अभी नए में इंक्लूड नहीं है एस पर इंडियन स्टैंडर्ड फॉर ब्रिक्स मिनिमम एक्सेप्टेबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एनी क्लास ऑफ बर्न क्ले ब्रिक इन ड्राई स्टेट ये कहाँ से करे भाई इसका सोलूशन इसके सॉल्यूशन के लिए हमने ढूंढा एक कोड और उस कोड में हमने पाया इसका सॉल्यूशन तो कोड जैसा कि आपको दिख रहा होगा आई एस वन जीरो सेवन सेवन नाइनटीन नाइनटी टू उसको फिर आप क्या किया है रिवाइज भी किया गया है बाद में ठीक है जो तो किसके लिए है कॉमन बर्न क्ले बिल्डिंग ब्रिक स्पेसिफिकेशन के लिए ये और उसके अंदर भी आप जाओगे उसके अंदर भी आप जाओगे फोर पॉइंट वन के अंदर क्लोज फोर पॉइंट वन के अंदर आप जाओगे तो वहां पर आपको पता चलेगा क्लोज फोर पॉइंट वन के अंदर उसके अंदर लिखा हुआ है द कॉमन बर्न्ड क्ले ब्रिक्स बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज कंप्रेसिव श्रेन एस गिवन बिलो उसके अंदर मिनिमम कितनी दिख रही है जल्दी से देख लो <coughs> तो मिनिमम आपको यहां पर दिख रही होगी थ्री पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट फाइव ठीक है मिनिमम आपको यहां पर दिख रही होगी थ्री पॉइंट फाइव और न्यूटन पर एम एम है ना वो स्ट्रेंथ के ऊपर ही है तो मिनिमम आपको थ्री पॉइंट फाइव न्यूटन पर एम एम बात करें और ये बर्न क्ले के बारे में ही है पूरा स्पेसिफिकेशन और क्वेश्चन भी उसी के बारे में पूछा गया था तो यहाँ पर मिनिमम कितना है थ्री पॉइंट फाइव यही हमारा आंसर होगा आप क्वेश्चन को फिर से देख सकते हो दम एस पर आई एस इंडियन स्टैंडर्ड फॉर ब्रिक्स

बता ही दिया है और उसका रीजन भी बता दिया कि क्यों ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा ठीक है तो पंद्रह क्वेश्चन हो चुके हैं सोलवा क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन कौन से मैनर में है आप देखोगे तो पता चल जाएगा और इसको क्वेश्चन तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे लेकिन इसको सॉल्व हम बोर्ड पर करेंगे अच्छे से सॉल्व करेंगे इसको ठीक है अच्छे से सॉल्व करें तो क्वेश्चन आप यहाँ पर पढ़ लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है द कंपोजिशन ऑफ एन Air entrained concrete is given below, अलग अलग कंपोजिशन दिए हुए वॉटर है सीमेंट है सेंड है, है, है उनकी अलग अलग डेंसिटीज भी दी गई है उनकी अलग अलग डेंसिटी करना क्या है भाई करना क्या है करना यह है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ओपीसी सेंड एंड सबकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दी है सबकी हमारे पास असिटी uh, भी दी है द एयर कंटेंट कितना होगा ये आपको निकालना एयर कंटेंट कितना होगा ये आपको निकालना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम बोर्ड पर तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको कहा कि अब लास्ट वाला जो सरप्राइज और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे हम यहाँ पर बोर्ड पर सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन तो आपने डीपली पढ़ ही लिया होगा फिर से एक बार मैं आपके ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग uh, के लिए पढ़ देता हूँ द कम्पोजिशन ऑफ एयर एंट्रेन कॉन्क्रीट इज गिवन बिलो और यहाँ पर ये यह सारे डेटा दिया हुआ है साथ साथ में स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दी हुई है

कि आपको वाटर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट सैंड कोर्स एग्रीगेट ये सारी चीज़ें क्या दी हुई है डेंसिटी दी हुई है 184 किलोग्राम पर मीटर क्यूब 368 किलोग्राम पर मीटर क्यूब 606 किलोग्राम पर मीटर क्यूब 1155 किलोग्राम पर मीटर क्यूब अगर आप सोच रहे हो कि ये डेंसिटी दी हुई है तो फिर यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या मतलब ये इनके साथ साथ में स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दी हुई है 3.14, 2.67, 2.74। इसीलिए मैंने कहा कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत ही अच्छा है यही क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा यही क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा तो अब जो मैं इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ इसका क्या मतलब है वो ध्यान से देखना वाटर इज इक्वल टू वन एटी फोर किलोग्राम पर मीटर क्यूब मतलब यह है कि अगर आप एक मीटर क्यूब का कंक्रीट बनाते हो अगर आप एक मीटर क्यूब का कंक्रीट बनाते हो तो उसके अंदर वाटर कितने होगा उसके अंदर वाटर होगा 184 किलोग्राम उसके अंदर वाटर होगा 184 किलोग्राम अगर आप ओपीसी बनाते हो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बनाते हो ठीक है और उसका ये आपके पास है थ्री सिक्सटी एट किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये क्या है इसका मतलब ये है कि आप अगर वन मीटर क्यूब का कंक्रीट बनाते हो वन मीटर क्यूब का कंक्रीट बनाते हो तो उसके अंदर ओ जो होगा ओ हो जो होगा वो कितना होगा ओ विल बी इक्वल टू थ्री सिक्सटी एट किलोग्राम थ्री सिक्सटी एट किलोग्राम ठीक है मतलब ये जो किलोग्राम ही वेट ही दिया हुआ है लेकिन पर मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब ऑफ कॉन्क्रीट यहाँ पर सेंड जो दिया हुआ है सिक्स जीरो सिक्स किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसका मतलब ये कि अगर आप वन मीटर क्यूब कॉन्क्रीट बनाते हो तो उसके अंदर सेंड जो होगा वो होगा सिक्स जीरो सिक्स किलोग्राम सिक्स जीरो सिक्स किलोग्राम अगर आप कोर्स एग्रीगेट लेते हो तो कोर्स एग्रीगेट जो है वो कितना होगा एक मीटर क्यूब कॉन्क्रीट के अंदर वन मीटर क्यूब कॉन्क्रीट के अंदर कोर्स एग्रीगेट विल बी इक्वल टू कोर्स एग्रीगेट विल बी इक्वल टू वन वन फाइव फाइव किलोग्राम वन वन फाइव फाइव किलोग्राम अब आया समझ में कि ये सारे एक्चुअली वेट ही दिए हुए लेकिन पर मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट दिए हुए क्या दिया हुआ है पर मीटर क्यूब यानी वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट अगर आप वन मीटर क्यूब लोंगे तब जाके आपको ये सारे कंपोजिशन है उनका वेट आपको डायरेक्टली दिया हुआ है और साथ साथ में यहाँ पर उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दी हुई है साथ साथ में स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर नहीं दी हुई तो ऑब्वियस कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर क्या होती है वन होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर क्या होती है वन होती है नाव अब क्या करेंगे अब यहाँ पर जो मैं चीज़ बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखना ठीक है वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाई डेंसिटी सभी को पता है वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाई डेंसिटी अगर मैं वन मीटर क्यूब वॉल्यूम का

वाटर का वेट कितना है वेट डिवाइड बाई डेंसिटी ठीक है तो उसका वॉल्यूम मिलेगा ना तो वाटर का वेट है वन किलोग्राम उसकी वाटर की डेंसिटी कितनी होती है भाई थाउजेंड किलोग्राम पर मीटर क्यूब तो वाटर की डेंसिटी होती है थाउजेंड किलोग्राम पर मीटर क्यूब ठीक है इसी तरीके से इसी तरीके से दूसरा कंपोजिशन हमारा कौन सा है ओ है दूसरा कंपोजिशन ओ है तो ओ हमारे पास कितना है 368 किलोग्राम है 368 किलोग्राम अब इसकी डेंसिटी कितनी होगी यह है उसकी डेंसिटी कितनी होगी तो यहाँ पर उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है थ्री पॉइंट वन फोर तो डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉन्क्रीट मल्टीप्लाई बाई रो डब्ल्यू ठीक है ना ऐसे ही लिखेंगे तो ये कितना है, है हमारे पास थ्री पॉइंट वन फोर तो मल्टीप्लाई बाई थाउजेंड थ्री पॉइंट वन फोर मल्टीप्लाई बाई थाउजेंड तो थ्री पॉइंट वन फोर मल्टीप्लाई बाई थाउजेंड है वो हम यहाँ पर डेंसिटी की जगह लिखेंगे ओ पी सी की थ्री पॉइंट वन फोर मल्टीप्लाई बाई प्लस अगला है हमारे पास सेंड सेंड कितना है सिक्स 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 जीरो जीरो किलोग्राम किलोग्राम तो six six उसका भी यही है डेंसिटी अगर हमें चाहिए तो टू पॉइंट सिक्स सेवन मल्टीप्लाई बाई थाउजेंड करना पड़ेगा टू पॉइंट सिक्स सेवन मल्टीप्लाई बाई थाउजेंड प्लस अगला है हमारे पास कोर्स एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट कितना है इलेवन फाइव फाइव किलोग्राम ग्यारह सौ पचपन इलेवन फाइव फाइव किलोग्राम डिवाइड बाई थाउजेंड और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है टू पॉइंट सेवन फोर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट जो गिवन थी टू पॉइंट सेवन फोर तो यहाँ पर टू पॉइंट सेवन फोर भी आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं टू पॉइंट सेवन फोर मल्टीप्लाई बाई थाउजेंड और यहाँ पर जो फाइंड आउट करना है वो भी तो कंपोजिशन होगा ये सारी चीज़ें आ गई वन मीटर क्यूब के अंदर लेकिन बाकी की जो बच, जगह बचेगी कंक्रीट के अंदर वाटर आ गया कोर्स एग्रीगेट आ गया सीमेंट आ गया उसके अलावा सैंड आ गया ये सारी चीज़ें कॉन्क्रीट मिक्सचर के अंदर होती है लेकिन बाकी की जो जगह बचे वो कौन लेगा हवा एयर लेगा और वही वॉल्यूम ऑफ एयर तो फाइंड आउट करना है तो यहां पर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर भी इंक्लूड हो जाएगा अगर आप इस बात को समझ गए तो क्वेश्चन आपका यहीं पर सॉल्व हो गया ठीक है यहां पर आप समझ गए कि वन मीटर क्यूब कंक्रीट के अंदर हमारे पास वाटर है हमारे पास सैंड है ओपीसी है ओपीसी ठीक है ओपीसी पी थ्री सिक्सटी एट है उसके बाद हमारे पास सैंड है उसके बाद कोर्स एग्रीगेट है और बाकी जो जगह बच गई वो हमारे पास होगी एयर के फॉर्म में और यही वॉल्यूम ऑफ एयर हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ एयर हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है तो अब यहाँ से जो पुरानी चीज़ें हैं वो मिटा रहा हूँ यहाँ से मैं जो पुरानी चीज़ें हैं वो मिटा रहा हूँ और जो नई चीजें है यानी कि इसको सिंप्लीफाई करने का जो है उसको मैं इंक्लूड रहा हूं तो चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और वॉल्यूम ऑफ एयर कितना आता है वो देखते हैं मिनट तो फ्रेंड्स अब तुम्हारे सामने ही मैं इस वाले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करता हूं और वॉल्यूम ऑफ एयर निकालता हूं ठीक है तो इस तरफ तो मेरे पास है वन मीटर क्यूब है इस तरफ वन मीटर क्यूब और इस तरफ भी मेरे पास जो आएगा वो मीटर क्यूब के अंदर ही आंसर आएगा किसके अंदर आंसर आएगा मीटर क्यूब के अंदर ही आंसर आएगा सो वन एटी फोर डिवाइड बाई थाउजेंड आप भी फटाफट फड़ से कैलकुलेट कर सकते हो प्लस थ्री सिक्सटी एट डिवाइड बाई थ्री पॉइंट वन फोर मल्टीप्लाई बाई थाउज़ेंड डिविजन के अंदर ही प्लस सिक्स जीरो सिक्स डिवाइड बाई टू पॉइंट सिक्स सेवन मल्टीप्लाई बाई थाउज़ेंड प्लस वन वन फाइव फाइव डिवाइड बाई टू पॉइंट सेवन फोर मल्टीप्लाई बाई थाउज़ेंड ये मैं कर रहा हूँ तो मेरा आंसर आ रहा है जीरो पॉइंट नाइन फोर नाइन सिक्स और बहुत आ रहा है लेकिन बस इतना काफ़ी होगा मीटर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ एयर को मैं सब्जेक्ट बनाता हूँ तो ये होगा वन माइनस ज़ीरो पॉइंट नाइन फोर नाइन सिक्स यहाँ पर मैं यूनिट आपको बहुत अच्छे से समझाऊँगा लीटर पर मीटर क्यूब का क्या मतलब होता है ठीक है तो वन माइनस जीरो पॉइंट नाइन फोर नाइन सिक्स करो तो वन माइनस जीरो पॉइंट नाइन फोर नाइन सिक्स नाइन सिक्स करोगे तो आपका आंसर आएगा जीरो पॉइंट फाइव जीरो थ्री ज़ीरो मीटर क्यूब ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो जीरो पॉइंट जीरो फाइव थ्री जीरो ठीक है ना जीरो पॉइंट जीरो फाइव ज़ीरो थ्री जीरो मीटर क्यूब ये आंसर आया बट आपको किसके अंदर आंसर देना है भाई ये और ये आंसर क्या है ये आंसर का मतलब ये है ये आंसर का मतलब ये है कि आपने जो एज्यूम किया था ना ट तो ये जो आपका वॉल्यूम ऑफ एयर आया ना जीरो पॉइंट क्या है per meter cube of concrete है? समझ में आया? क्योंकि हमने यहां पर क्या लिखा है एक मीटर क्यूब कॉन्क्रीट के अंदर होता है तो ये जो अमाउंट आएगा ये किसके अंदर होगा एक मीटर क्यूब कॉन्क्रीट के अंदर इतना आया जीरो पॉइंट जीरो फाइव जीरो थ्री जीरो मीटर क्यूब का वॉल्यूम ऑफ एयर बचेगा कब लेकिन न मीटर क्यूब कंक्रीट के अंदर यह समझना क्योंकि शुरुआत से ही हम सारे पैरामीटर पर मीटर क्यूब लेकर चल रहे हैं यहां पर 184 किलोग्राम पर मीटर क्यूब 368 किलोग्राम पर मीटर क्यूब तो यहां पर जो वॉल्यूम भी मिलेगा 0.05030 मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब वॉल्यूम ठीक है अब यहां पर इन्होंने कहा है कि इनको लीटर पर मीटर क्यूब में चाहिए तो ये मीटर क्यूब को अगर मुझे लीटर में कन्वर्ट करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा थाउजेंड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थाउजेंड से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो मैं लिख सकता हूँ इज़ इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव ज़ीरो थ्री ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई थाउज़ेंड लीटर्स पर मीटर क्यूब अब आया समझ में ठीक है क्यों उन्होंने लीटर्स पर मीटर क्यूब दिया था तो इसको थाउजेंड से मल्टीप्लाई करूँगे तो एक जीरो यहाँ जाएगा दूसरा जीरो यहाँ जाएगा और तीसरा जीरो यहाँ जाएगा यानी कि फिफ्टी पॉइंट थ्री ज़ीरो लीटर्स पर मीटर क्यूब क्या अराउंड आंसर आएगा ठीक है मैंने भी चेक नहीं किया सही है कि गलत है आप भी चेक कर लेना हाँ इतना ही आ रहा है भाई फिफ्टी पॉइंट थ्री टू समथिंग आ रहा है फिफ्टी पॉइंट थ्री जीरो भी सही आंसर है ठीक है गेट टू थाउजेंड फिफ्टीन के अंदर पूछा गया था टू मार्क्स का क्वेश्चन है मॉर्निंग सेशन में पूछा गया था कितना बढ़िया क्वेश्चन है, है? जनरली हमने अभी तक जितने सारे क्वेश्चन देखे कंस्ट्रक्शन मटीरियल के अंदर तो वो कैसे थियोरिटिकल बेस थे या एक टेबल के बेस पर थे या कोई कन्सेप्ट के बेस पर थे लेकिन ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है कैलकुलेशन के बेस पर है और अंडरस्टैंडिंग के बेस पर है तो इसीलिए मैंने इसको बोला था कि इसको मुझे बोर्ड पर सॉल्व करना अगर मान लो कि इसको भी मैं पीपीटी में सॉल्व करता तो उतनी मज़ा नहीं आती उतनी समझ में नहीं आता हर चीज़ को मैंने जो यहाँ पर डिस्क्राइब किया है डिस्क्राइब किया है कि यहाँ पर बोर्ड पर आकर हर एक पैरामीटर को वो उतना वहाँ पर पीपीटी में मज़ा नहीं आता और आपको समझ में भी नहीं आता इसलिए जो चीज़ पीपीटी में अच्छी लगती है वो पीपीटी में अच्छी लगती है और जो चीज बोर्ड पर पढ़ानी चाहिए वो चीज़ बोर्ड पर पर ही अच्छी लगती है। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया cube, है। ये जो आपने देखा होगा शुरुआत से लेकर लास्ट तक जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए चाहे वो मैंने पीपीटी में किए हो चाहे एक क्वेश्चन मैंने यहां पर बोर्ड पर किया हर एक के अंदर आपको क्वालिटी देखने को मिलेगी कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल के सारे जितने भी क्वेश्चन है 2016 से लेकर 2021 तक के आपके सारे क्वेश्चन रिवाइज हो गए सारे क्वेश्चन रिवाइज हो गए साथ साथ में उसके साथ साथ में कंसेप्ट भी बताता गया कन्सेप्ट के साथ साथ कैलकुलेशन का अंडरस्टैंडिंग भी बताया गया अगर कहीं पर कैलकुलेशन है तो और इसी के साथ साथ मेरा टारगेट है कि सारे सब्जेक्ट का मैं इस तरीके से कंप्लीट करूँ तो अगर आप कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है या आपके पास कोई ग्रुप वगैरह है तो उसके अंदर ये सारे वीडियो शेयर कर दो और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आपको अच्छी और यूज़फुल लगती है जो कि डेफिनेटली लगेगी क्योंकि आपको पता होगा कितना अच्छा क्वालिटी कंटेंट है सब्सक्राइब कर देना और लाइक ज़रूर से कर देना इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी थैंक यू